जब भी हम डायनासोर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ प्रचलित तस्वीरें आती है। हालांकि कई लोग डायनासोर के कई प्रजातियों के बारे में जानते हैं, पर यकीन करिए बहुत से ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें इतना तो पता होता है कि डायनासोर करोड़ों साल पुराने जानवर हुआ करते थे, पर उन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक ही प्रजाति के थे और उसके मन में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, जो आपको गूगल में भी देखने को मिल जाएगा जब आप डायनासोर लिखकर सर्च करो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही डायनासोर्स की जो लोगों के बीच काफी मशहूर है। तो वीडियो में अगर आपका कोई पसंदीदा डायनासोर दिखे तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। अपेटोसोरस। इस विशाल से डायनासोर की स्पीसीज को उत्तरी अमेरिका में खोजा गया, जिससे ये पता चल पाया कि इस डायनासोर की उत्पत्ति 160 मिलियन सालों पहले ही हो चुकी थी, जो 66 फीट विशाल मॉन्स्टर हुआ करते थे, जिस वजह से साल 1877 में इसे सबसे विशाल डायनासोर में से एक माना जाता था। पर अर्जेंटिनोसोरस की खोज के बाद लोगों के दिल से इस डायनासोर की जगह अर्जेंटिनोसोरस ने ले ली। खैर, एपेटोसोरस के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसके टेल काफी लंबे हुआ करते थे, जिसे ये काफी तेज गति से घुमाकर अपने दुश्मनों पर हमला कर सकते थे। इसके अलावे खतरा महसूस होने पर ये काफी खतरनाक आवाजें भी निकाला करते थे, पर सोरोपोड होने की वजह से इसका मुख्य आहार प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट हुआ करते थे, और इस डायनासोर का मुख्य शिकारी टॉर्वोसोरस हुआ करता था। ब्रैकियोसोरस। जब आकार की बात हो ही रही है तो ब्रैकियोसोरस का नाम कैसे छूट सकता है, जो आकार में करीब 85 फीट विशाल होते थे और अपने आकार के कारण ये दुनिया भर में कई लोगों के मन पसंदीदे डायनासोर की लिस्ट में भी शामिल है। पर इस डायनासोर में जो गौर करने की बात है वो है इसका गर्दन, जो काफी लंबा होता था, और अपने लंबे गर्दन की वजह से ये विशाल पेड़ों की टहनियों तक काफी आसानी से भी पहुंच जाते थे। राजासोरस। भारत में ही ढूंढे गए अबेलिसोरिड परिवार के सबसे प्रसिद्ध सदस्य है राजासोरस, और हाँ, इसका कारण है भारत में इसके अवशेषों का मिलना, साथ ही इसका आतंक जो लाखों साल पहले नर्मदा नदी के किनारे होता था। लगभग 9 मीटर लंबे इस डायनासोर को खास बनाती थी इसके शरीर में पाए जाने वाली ऑस्टियोडर्म की लेयर और किसी मुकुट के समान इसका सींग। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही फेमस है, बल्कि इस डायनासोर की फैन फॉलोइंग विदेशों में भी आपको देखने को मिल जाएगी। पायरोरैप्टर। पेरेवियन जीनस के ये डायनासोर शायद इस लिस्ट में नहीं आती अगर ये वीडियो 2 महीनों पहले बनी होती, क्योंकि 70 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले इस फायर थीफ को जब जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में दिखाया गया, तब से इस खूबसूरत से डायनासोर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि फ्रांस से मिले इसके अवशेषों से ये पता तो नहीं चल पाया कि इसके फेदर्स किस रंग के होते थे, पर जुरासिक वर्ल्ड द्वारा इसे दिया गया रंग काफी अट्रैक्टिव है। डिमॉर्फोडॉन। आपने जुरासिक वर्ल्ड में इस मीट ईटिंग टेरोसोर को जरूर देखा होगा, जिसने चंद पलों में ही पूरा पार्क को तहस नहस करके रख दिया था। हालांकि अपने विशाल पंखों की वजह से इसने लोगों को खूब अट्रैक्ट किया हो, पर जो बातें इसे सबसे यूनिक और खास बनाती है वो है इसका गुस्सा और भीड़, जिसका सबूत आपने मूवी में देख ही लिया होगा। डिलोफोसोरस। यह डायनासोर उतना भी विशाल नहीं है जितना कि दूसरे डायनासोर की बात अब तक हम कर चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये डरावने नहीं थे। लगभग एक डॉग के साइज का यह डायनासोर लोगों के मन में अपना छाप छोड़ दिया जब इसने अपनी फ्रिल गर्दन लोगों को जुरासिक पार्क में दिखाई, और इसी वजह से ये शामिल है मोस्ट पॉपुलर डायनासोर की लिस्ट में। टेरानोडॉन। इस डायनासोर ने ही डिमॉर्फोडॉन के साथ टीम अप करके एवियरी से भागने में कामयाब रहा था। लगभग 10 करोड़ सालों पहले पाए जाने वाली यह डायनासोर एक बेहद ही विशाल मांसखोर उड़ने वाले भक्षक हुआ करते थे। हालांकि इसके आतंक को जितना फिल्मों में दिखाया गया है, हो सकता है कि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि इसके पंख ही करीब 23 फीट तक विशाल पाए जाते थे, जिस वजह से ये किसी भी डायनासोर को लेकर दूर आसमान में उड़ जाया करते थे और उसे ऊपर से गिराकर मार भी दिया करते थे। और इन्हीं कारणों से उड़ने वाले डायनासोर की लिस्ट में इसे सबसे फेमस और शक्तिशाली डायनासोर भी माना जाता है। स्टेगोसोरस।
डायनासोर की इस प्रजाति को इसके पीठ पर उभरे विशाल डोर्सल प्लेट और इसके छोटे शीर से पहचाना जा सकता है। हालांकि इसके बचाव के लिए इसके डोर्सल प्लेट काफी वाइटल रोल प्ले करते थे, पर इसके पूंछ में लगे कांटे भी किसी खतरनाक हथियार से कम नहीं था और इसके 30 फीट विशाल शरीर को देख कई शिकारी इस पर हमला करने से पहले दो बार जरूर सोचा करते थे। थेरिजिनोसोरस। मंगोलिया में पाए जाने वाले इस भयंकर शाकाहारी टीरेक्स को लोग कैसे भूल सकते हैं। अपने विशाल नाखूनों से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले ये मॉन्स्टर थे तो शाकाहारी, पर इसका डर किसी थेरोपोड से कम न था। यहाँ तक कि कई बार थेरोपोड्स भी इससे बचकर शिकार करना चुनते थे। कार्नोटोरस। सिंगो वाले इस मीट ईटिंग डायनासोर को कई लोग इसे छोटा टीरेक्स के नाम से भी जानते हैं। इस डायनासोर के अवशेषों को दक्षिणी अमेरिका में ढूंढा गया, जिससे लोगों को ये पता चल पाया कि इस डायनासोर की उत्पत्ति 70 मिलियन सालों पहले हो चुकी थी, जो अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे। एलोसोरस। इस अलग प्रकार की छिपकली का उदय 15 करोड़ सालों पहले ही धरती पर हो चुकी थी। अन्य शिकारी डायनासोर की ही भांति इसके जबड़ों में भी कई नुकीले दांत पाए जाते थे, पर इस डायनासोर को लेकर एक बात ये भी निकल रही है कि वेलोसिरेप्टर की भांति ये भी झुंड में शिकार करने के लिए जाया करते थे, जिस वजह से इसके आतंक को रोक पाना नामुमकिन हो जाया करता था। पर इस डायनासोर को जितना पॉपुलर गेम्स ने किया है, शायद उतना ये पॉपुलर नहीं हो पाते। एंकिलोसोरस। क्रिटेशियस पीरियड के अंत में रहने वाले ये डायनासोर अपने ढाल से मजबूत पीठ, उस पर निकले कांटे और अपने शक्तिशाली और भारी पूंछ के लिए जाने जाते हैं। और सारी बातों से ये पता चलता है कि इसका पूरा शरीर इसके बचाव के लिए ही बना था। और इस डायनासोर को आर्मर लिजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एंकिलोसोरस आकार में भी लगभग 20 फीट के होते थे, पर इसका वजन आकार के अनुसार काफी ज्यादा होता था, जिस वजह से ये काफी धीमे भी हो जाया करते थे। और वैसे भी इसे तेज भागने की आवश्यकता ही कहां थी। कार्केरोडोंटोसोरस। हालांकि इसका नाम थोड़ा अजीब है, पर अपने काल में ये डायनासोर बड़े खूंखार हुआ करते थे। और कई रिसर्च हमें बताते हैं कि विशाल जबड़ों वाले कार्केरोडोंटोसोरस स्पाइनोसोरस के बाद दूसरे सबसे विशाल थेरोपोड हुआ करते थे। और इस डायनासोर का भी राज अर्ली क्रिटेशियस के उत्तरी अफ्रीका में हुआ करता था, पर इसके सार्क जैसे दांतों ने लोगों का अटेंशन खुद की तरफ जरूर खींचा। ट्राइसेराटॉप्स। अब इस शाकाहारी डायनासोर की कल्पना किए बिना हम डायनासोर के युग को कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि अपने तीन मजबूत सींगों की मदद से ये अपने दुश्मनों को छक्के छुड़ा दिया करते थे। और इसके गर्दन पर पाए जाने वाले फ्रिल्स इसके गर्दन को कई शिकारियों के हमले से बचा लिया करते थे। लेकिन इसके भारी वजन के कारण ये काफी खूंखार भी बन जाया करते थे, क्योंकि जिस पर भी ये अपने सींगों से वार किया करते थे उसका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता था, अब चाहे वो शिकारी डायनासोर ही क्यों ना हो। जिगानोटोसोरस। अगर सबसे शक्तिशाली थेरोपोड की लिस्ट बनाए और उसमें जिगानोटोसोरस का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई आंकड़े तो हमें ये भी बताते हैं कि टीरेक्स से भी विशाल इस डायनासोर के जबड़े में इतनी ताकत पाई जाती थी, जिसके सहारे ये टीरेक्स जैसे शिकारी को भी धूल चटा सकते थे। और वैसे भी अर्जेंटीना की भूमि पर 8 से 9 करोड़ सालों पहले इसका मुकाबला विशालकाय अर्जेंटिनोसोरस से होता रहता था। स्पाइनोसोरस। जब भी हम सबसे विशाल और भयानक दिखने वाले थेरोपोड्स की बात करें, तो उसमें स्पाइनोसोरस किसी को भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि अपने गुस्सेल स्वभाव, भयानक शरीर, नुकीले क्लॉज और कॉनिकल दांत की वजह से ये मौत की मशीन बन जाया करते थे। और इस डायनासोर का जिक्र न सिर्फ आज के फिल्मों में, बल्कि कई दशकों से इस पर फिल्म बनती आ रही है, जिस कारण इसकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। और इस घड़ियाल से जानवर को पहचान पाना क्यों आसान है, आप हमें कमेंट कर जरूर लिखें। इंडोरैप्टर। इंडोरैप्टर एक छोटे आकार का सबसे खतरनाक हाइब्रिड डायनासोर का वर्जन है। हालांकि इस डायनासोर के अवशेष आपको देखने को नहीं मिल सकते, क्योंकि ये वास्तविक में थे ही नहीं, बल्कि जुरासिक वर्ल्ड में इसे इंडोमाइनस रेक्स और वेलोसिरेप्टर के डीएनए से तैयार किया गया था। पर जुरासिक वर्ल्ड में इसके नेगेटिव रोल और चालाकी को कोई कैसे भूल सकता है, और इन्हीं कारणों से इसे सबसे फेमस डायनासोर की लिस्ट में शामिल करना स्वाभाविक है। इंडोमाइनस रेक्स। जुरासिक वर्ल्ड के इतिहास में इस जैसा खूंखार हाइब्रिड डायनासोर अब तक नहीं दिखाया गया,
क्योंकि इसकी उत्पत्ति कई प्रकार के पुराने डायनासोर्स और मॉडर्न डे एनिमल्स के डीएनए से मिलाकर बनाया गया था। इस फिक्शनल कैरेक्टर की बुद्धि, ताकत और आतंक की जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी, और इन्हीं कारणों से आप इस डायनासोर को टॉप लिस्ट में देख सकते हैं। वेलोसिरैप्टर। इस कार्निवोरस डायनासोर को इसके जुरासिक वर्ल्ड सागा के कारण कई लोगों द्वारा जाना जाता है, पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में ही इसे प्रचलित किया गया है, क्योंकि इस डायनासोर को कई पैलियंटोलॉजिस्ट का पसंदीदा डायनासोर भी माना जाता है, और इसके पीछे की वजह है इसका तेज रफ्तार, नुकीले दांत, शार्प क्लोज और इसका झुंड। यहाँ तक कि इसके फेदर्स भी काफी घने होते थे, जिस वजह से कई बार दौड़ते दौड़ते ये उछलकर हमला भी कर सकते थे। टायरानोसोरस रेक्स। और इस लिस्ट में आखिरी और पहले नंबर पर है द टायरानोसोरस रेक्स, जिसे डायनासोर शब्द जितना ही पॉपुलर माना जाता है। और जो लोग सिर्फ डायनासोर की कल्पना भी करते हैं तो सबसे पहले टीरेक्स की ही तस्वीर मन पर आती है, पर इसके फेमस होने के पीछे कई वजह हैं, जैसे कि इसका विशाल शरीर, पावरफुल बाइट फोर्स और बाइनोक्यूलर विजन, जिसके कारण ये बनते हैं सुपर एपेक्स प्रेडेटर, क्योंकि इसके जितना खूंखार और शक्तिशाली जीव जमीन पर न तो पहले कभी हुई और न ही अब मौजूद है, और इन्हीं कारणों की वजह से इसे कई फिल्मों में भी दिखाया गया है, चाहे वो जुरासिक पार्क हो या वर्ल्ड। और इसकी फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड में इतनी है कि कई मॉडर्न डे जीव को आप नहीं जानते होंगे, पर इस खूंखार पौराणिक छिपकली के बारे में आप जरूर परिचित होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।